लातेहार पुलिस ने 5 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लातेहार पुलिस लातेहार के छिपा दोहर में रिजर्व गार्ड से मारपीट के मामले में फरार 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस के रिजर्व गार्ड पेट्रोल पंप गए थे जहां कुछ बदमाशों ने जवान पर हमला बोल दिया और कुदाली से मारकर अधमरा कर सड़क पर फेंक दिया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से गाड़ी मोबाइल भी बरामद किए गए हैं और साथ ही पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 22/11/2023 को छिपादौर थाना में प्रतिनियुक्त आरक्षी जिला बल के काशी कुम्हार अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए भट्टी मोहल्ला स्थित जो पेट्रोल पंप है उसमें गए हुए थे। उधर से बोलेरो पर पकड़ाए अभियुक्तगण आ रहे थे जिसे काशी को देख के राहुल सिंह पहचानता था। ये लोग पलामू किला मेला में कुछ खाने पीने के व्यवस्था के क्रम में इधर आ रहे थे। इनको देख के इनको रोक लिए और इनका चाबी छीन लिए और बोले कि हम लोग को पैसा दो दारू पीने के लिए। 1000 की मांग किए, उसके बाद बाइक का चाबी छीन लिए, उसके बाद इसको पकड़ लिए। पकड़ के ये लोग भट्टी मोहल्ला में ले जाने लगे, उस क्रम में इनका आई कार्ड भी छीन लिए और पैसा की मांग करने लगे। तब ये बताए कि मेरे पास इतना अभी उपलब्ध नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो इन लोग इन्हें मारपीट करने लगे।